भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां थीं, जिन्हें नागकन्या माना गया, जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया, इसीलिए वही गणेश जी की बहन है। इनका विवाह राजा नहुष से हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या है। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती ने विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को नंदन वन ले गए। वहां माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और वो उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गई। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उस वृक्ष से ये वर मांगा कि उन्हें कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। एक प्रसंग और है कि जब श्री गणेश का सिर धड़ से अलग किया गया था तो सुंदरी भी वहीं थी, जो अपनी माँ से रूठकर डर के मारे नमक के बोरे के पीछे छिप गई थी। इस प्रकार उनका संबंध नमक से है, जिसके बिना जीवन बेस्वाद है। अशोक सुंदरी को ओखा नाम से भी पुकारा जाता है और चैत्र में उनकी याद में नमक नहीं खरीदा जाता। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां हुंड नामक राक्षस आ गया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। ये सुनकर राक्षस ने कहा कि वो नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया, जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। ये सुनकर वो राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों ने संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके 5 पुत्रों का नाम था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों में पंच नंद कहा गया है।